नमस्कार जोहार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं शिखा स्वरूप। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमारा जीवन जो है हमारे शरीर पर ही निर्भर करता है। लेकिन आजकल के जिस वातावरण में हम रह रहे हैं और जिन चीज़ों का हम खाने में सेवन कर रहे हैं, उससे हमें बहुत तरह की बीमारी हो जाती है। बीमारी अपने साथ परेशानी भी लेकर के आती है, क्योंकि इलाज में होने वाले खर्च की चिंता हमें सताने लगती है। और ये ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। लेकिन अब उनको भी नहीं सोचना है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के तहत आप एक साल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं और साथ ही आपको दवाइयां भी मुफ्त मिलती हैं। अब आप सोचेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ कैसे उठाएं। तो दर्शकों, आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाना बहुत ही सरल है। सबसे पहले तो आपके पास आयुष्मान कार्ड होना बेहद ज़रूरी है, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाइए, वहाँ आपको हमारे आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो आपके आयुष्मान कार्ड बनवाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए, आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के क्रिटिकल केयर, और आपको मिलवाएंगे डॉक्टर प्रदीप कुमार भट्टाचार्य से, और उनसे बात करेंगे, और यहाँ के मरीजों से भी आपको मिलवाएंगे जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी छोटी से बड़ी बीमारी का इलाज कैसे कर रहे हैं। और डॉक्टर प्रदीप कुमार भट्टाचार्य से बात करेंगे कि वो लोगों को जानकारी कैसे दे रहे हैं इस बारे में। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी कि रिम्स अपने चिकित्सा बुनियादी ढांचे और आधुनिकतम संसाधन के लिए जाना जाता है। खास तौर पर रिम्स में स्थापित क्रिटिकल केयर यूनिट की बात करें तो यहां प्रतिदिन सैकड़ों गंभीर मरीजों को नई जिंदगी मिल रही है। जोहार, आज हम राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची अर्थात रिम्स आ पहुँचे हैं। यह झारखंड की सबसे बड़ी अस्पताल है। इस अस्पताल में झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के मरीज भी अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। इस अस्पताल में गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। इस अस्पताल के लगभग सभी डिपार्टमेंट में अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं। सच पूछा जाए तो यह अस्पताल गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। रिम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट से गंभीर रूप से ग्रसित मरीज किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, इस बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इस बारे में बताएंगे रिम्स के डॉक्टर प्रदीप कुमार भट्टाचार्य। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार भट्टाचार्य से। हमने क्रिटिकल केयर विभाग रिम्स का जो है 2019 में इसको हम चालू किए थे सितंबर के महीने में, और उसके बाद से ये कोविड के समय और कोविड के पहले तो हमने इसकी शुरुआत की थी, और कोविड के बाद हम काफ़ी तरक्की किए हैं और बहुत कुछ ऐसी सुविधाएं जो कि पूरे स्टेट में आप देखेंगे कि जो सरकारी संस्थाओं में जो कहीं नहीं है वो हमारे रिम्स में है। जहाँ तक हम गहन चिकित्सा की बात करते हैं तो गहन चिकित्सा में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ की बात होती है तो उसमें होता है एडवांस्ड मॉनिटरिंग, एडवांस्ड वेंटिलेशन। तो एडवांस मॉनिटरिंग की जो मशीनें होती हैं उससे आप एक साथ में शरीर के 36 चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो, 36 चैनल मॉनिटर्स बोलते हैं, और आप चाहें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इस हिसाब से आप मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे पास एडवांस मॉनिटरिंग के सारे गैजेट्स हैं, और इससे हम ये पता लगाते हैं कि शरीर में हृदय और हृदय के साथ जड़ित जितने भी भिन्न भिन्न अंग हैं और उनकी अंदरूनी अवस्था क्या है। और ये एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, अगर सरकारी व्यवस्था के अंदर देखा जाए तो सिर्फ रिम्स में ही है, इसके अलावा कहीं नहीं। दूसरी बात होती है एडवांस्ड वेंटिलेशन। एडवांस्ड वेंटिलेशन मतलब ऐसे मरीज जिनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा किसी भी प्रकार से हम टिश्यू लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार भट्टाचार्य बताते हैं कि रिम्स स्थित क्रिटिकल केयर यूनिट में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ कुशल और अनुभवी डॉक्टर्स 24 घंटे मौजूद रहते हैं। बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जिसमें आप सामान्य तरीके से ऑक्सीजन देते हैं, सामान्य तरीके से वेंटिलेट करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जैसे कोविड, आपने देखा होगा कोविड में ज़्यादातर मौतें किस वजह से हुई,
क्योंकि ऑक्सीजन को फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन शरीर में पहुंच ही नहीं पा रही थी। फेफड़े में बीमारी होने के कारण ऑक्सीजन फेफड़े के बाहर शरीर के अंदर तक पहुंचने में काफ़ी तकलीफें जा रही थी, और जिसके चलते कई सारी डिवाइसें आईं, सारे अस्पतालों को हाई लेवल का वेंटिलेटर्स दिया गया, और उसी तरह से रिम्स में भी बहुत पेशेंट आए, और हम लोगों ने उस समय एडवांस्ड वेंटिलेशन का इस्तेमाल किया, और उस एडवांस्ड वेंटिलेशन के यूज़ जब हमने यूज़ करना चालू किया तो हमने पाया कि सारे मरीज जिनमें ऑक्सीजन हम नहीं पहुंचा पा रहे थे उनमें हम ऑक्सीजन टिश्यू लेवल तक पहुंचा पाए, और उसका लाभ पूरे स्टेट के जितने भी मरीज इस अस्पताल में हैं उनको मिला। और ये सबको पता है कि रिम्स में उस दरमियान हम 100 से ज़्यादा इस ट्रॉमा सेंटर में हम 100 वेंटिलेटेड बेड्स चलाते थे, और एक किसी भी समय पे 100 से ज़्यादा मरीज वेंटिलेटर पे रहते थे, और उनको हम बखूबी एडवांस्ड वेंटिलेशन का इस्तेमाल करके, कई दफ़े हाई फ्लो से भी होता था लेकिन एडवांस वेंटिलेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ी, और उससे हम उनको काफ़ी मदद पहुँचाए। और तो ये एक सुविधा हमारे पास रिम्स में है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी संस्थानों में ये सुविधा की, और सबसे बड़ी बात होती है मैन बिहाइंड द मशीन, एक्सपर्ट्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं इन मशीनों को हैंडल करते हैं, उनकी उपलब्धता जो है हमारे सरकारी संस्थाओं में उतनी झारखंड में नहीं है, जो हमारे पास हैं, जो एक्सपर्टाइज हमारे पास वो वहाँ नहीं है। क्रिटिकल केयर यूनिट में उन्नत सुविधाओं जैसे सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम से युक्त बेड्स उपलब्ध हैं। यहाँ मिलने वाली सुविधाएं राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि यहाँ रोगियों को किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। यहाँ की मल्टीडिसिप्लिनरी ICU यूनिट रोगियों के आराम और निजता का खास ख्याल रखती है। तीसरी बात, जैसे लंग्स के अंदर झांक के देखने की बात हुई, ब्रोंकोस्कोपी हमारे पास एडवांस ब्रोंकोस्कोपी की सुविधा है, हमारे पास एडवांस न्यूट्रिशन देने की फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास एडवांस्ड सीरिंज पंप्स हैं जिनके द्वारा हम हर एक सेकेंड या हर एक मिनट में कितनी मात्रा में ड्रग जाने की ज़रूरत है शरीर के अंदर, वो हम कैलकुलेटेड हिसाब से दे सकते हैं। सो अगर आप देखेंगे कि एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल और को अगर हम कंपेयर करें हमारे रिम्स के क्रिटिकल केयर विभाग से, तो हम अगर उनसे कम नहीं तो उनके बराबर उन्नत तो हम ज़रूर हैं, कि उनके पास जो भी सुविधाएं हैं, रादर हम ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ मामलों में जो हमारी एक्सपर्टाइज जो है उनसे कहीं ज़्यादा है, जो आज हायर लेवल के कॉरपोरेट सेक्टर्स में जो काम नहीं होते हैं वो हम यहाँ करते हैं, और इससे पूरे प्रदेश के मरीज जो भी आते हैं यहाँ से रेफर होकर के वो लाभान्वित होते हैं और यहाँ से ठीक होकर के जाते हैं। झारखंड एक स्टेट तो है ही, आपको पता है, पश्चिम बंगाल से बहुत मरीज आते हैं, उड़ीसा जो बॉर्डर में है, उड़ीसा के बॉर्डर वाले स्टेट से आते हैं, छत्तीसगढ़ से, फिर हमारे बिहार से, सब जगह से मरीज आते हैं यहाँ पर, बिहार से भी मरीज आते हैं और यहाँ इलाज कराते हैं। और जो स्पेक्ट्रम होता है डिजीज़, जो किस तरह के बीमारियों के मरीज यहाँ पे आते हैं, तो ज़्यादातर मरीज जो आते हैं ये ब्रेन वाले, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ARDS हम लोग बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो इंटेंसिव किसी भी गहन चिकित्सा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में पाया गया पूरे विश्व में कि 50% से ज़्यादा पेशेंट्स का डेथ हो जाता है, वो हमारे पास बहुतायत में ऐसे पेशेंट्स रहते हैं, सेप्टिक शॉक के पेशेंट्स रहते हैं जिसमें कोई भी अंग में किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन पकड़ता है, बाद में वो क्या होता है पूरे शरीर में फैलता है, और फैल करके और उस जहर से सारे अंग एक साथ बैठ जाते हैं, जैसे हार्ट, लंग, किडनी, लीवर सब एक साथ अफेक्टेड होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति को मल्टी ऑर्गन फेलियर कहते हैं। तो सेप्टिक शॉक, मल्टी ऑर्गन फेलियर, और उसके अलावा जो एक बहुतायत में मरीज आते हैं हमारे पास ट्रॉमा के, ट्रॉमा सेंटर में भी के हिसाब से भी हम यहाँ पे चीज़ों को डेवलप किए हैं, और ट्रॉमा के मरीज जो रहते हैं उनमें सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है कि उनको खोपड़ी में या ब्रेन में इंजरी होता है,
उसके साथ साथ उनकी इंजरीज चेस्ट में होती है, इनकी इंजरीज एब्डोमेन में होती है, काफ़ी विसराज जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं और उनको रिकवर होने में बहुत समय लगता है। लेकिन हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे सेट किए हैं जो दूर दूर से हमारे पास आए हैं और अच्छी तरह से इलाज करके ठीक होकर के गए हैं, भले ही समय ज़्यादा लगा हो। रिम्स में ICU यूनिट में जटिल चिकित्सा समस्याओं जैसे मल्टी ऑर्गन फेलियर, सांप काटने, विषाक्त भोजन, सड़क दुर्घटनाएं, हृदय से संबंधित रोग, सांस से संबंधित रोग, हेड इंजरी, शारीरिक चोट इत्यादि गंभीर मरीजों का आयुष्मान भारत योजना के तहत बिल्कुल निःशुल्क और बेहतर तरीके से इलाज किया जा रहा है। एक्यूट सबकॉन्शियस स्टेट बोलते हैं, ड्राउजी स्टेट में चला गया पेशेंट, इसका मतलब है कहीं ना कहीं है कि ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए हैं जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की कमी हो रही है और जिसकी वजह से ये ब्रेन सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ड्राउजी साइन है। आप देखेंगे घर में कई दफ़े बोलते हैं कि अरे हमें बहुत छाती में बेचैनी महसूस हो रही है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। कई दफ़े होता है बेचैनी महसूस होती है, हम समझते हैं कि नहीं आम बात है, बेचैनी तो होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से बेचैनी हो रही है, या ठंड बहुत ज़्यादा है इस वजह से बेचैनी हो रही है, मौसम की वजह से, या कुछ खाने पीने की वजह से, नहीं, इनको लाइटली कभी नहीं लीजिए क्योंकि ऐसे में सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। बेचैनी एक ऐसी चीज़ है जो रिप्रेजेंट करता है कई दफ़े कि हार्ट में कुछ गंभीर समस्या है जिसकी वजह से आपको इस तरह की बेचैनी हो रही है। तो अर्ली वार्निंग साइंस जो हम लोग बोलते हैं, हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना या ब्लड प्रेशर का अचानक से घट जाना, एक मरीज अचानक आप देख रहे हैं कि वो कल तक सही था लेकिन आज कंफ्यूज स्टेट में है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे कुछ नशा वशा कर लिया होगा, जवान लड़का रहेगा तो बोलेंगे नशा कर लिया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा सोचने के पहले ज़रूर सोचिए कि कहीं किसी प्रकार का सेप्टिक फोकस तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो। ये गंभीर साइन है, सांस की गति उखड़ना, और अगर आप काम कर रहे हैं, काम करते करते अचानक से देखे कि जीभ टेढ़ा हो गया हो, मुंह टेढ़ा हो गया, या एक अंग का चलना अचानक से बंद हो गया हो, ऐसे मरीज को तुरंत एज अर्ली एज पॉसिबल इमरजेंसी में या क्रिटिकल केयर में लाके भर्ती करें, क्योंकि इनका शर्तिया इलाज होता है। अगर आप 6 घंटे के अंदर ऐसे मरीज को अस्पताल के अंदर ले आए तो शर्तिया ये मरीज ठीक हो जाएंगे। अगर इनका डिले हुआ या देर से पहुंचे अस्पताल में तो फिर परिस्थिति कंट्रोल से बाहर चली जाती है और वैसे मरीज को हम ठीक करने में असमर्थ हो जाते हैं। चिकित्सक बताते हैं कि रिम्स में अब गंभीर अवस्था में पहुंचे रोगियों को नई जिंदगी मिल रही है। क्रिटिकल केयर यूनिट में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मशीनों से मरीजों की जान बचाई जा रही है। यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर वेंटिलेटर सहित विभिन्न प्रकार के उपकरण मौजूद हैं। जैसे एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, एक्सीडेंट के केसेस में हमेशा ये टारगेट करना चाहिए कि एक्सीडेंट होने के 2 से 3 घंटे के अंदर किसी भी तरह से इनको हायर सेंटर्स में पहुँचा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या है कि जितना फ्रेश एक्सीडेंट केस होगा उतनी बचने की संभावना बढ़ जाती है, चाहे ब्रेन की सर्जरी करनी पड़े, चाहे छाती की सर्जरी करनी पड़े, चाहे पेट की सर्जरी। अगर तुरंत डायग्नोसिस होकर के और तुरंत सर्जरी हो गया या इलाज हो गया तो ऐसे में बचने की संभावना 50% से ज़्यादा हो जाती है। अगर हम यही 6 घंटा 8 घंटा डिले कर दिए तो फिर वो मरीज के बचने की संभावना बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 से 2% पे पहुँच जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि कम्युनिटी में हर इंसान को ये जानना चाहिए। सिर्फ ये मत समझिए कि हार्ट अटैक ही एक प्रॉब्लम है, ये स्ट्रोक ही एक प्रॉब्लम है, सेप्सिस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी फेलियर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब एक अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होना, शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षणों का दिखाई देना, और जब आप पहुँचते हैं डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, अगर कोई डॉक्टर कह देता है कि नहीं, आप किसी स्पेशलिस्ट के पास पहुँचे हो, कह देते कि नहीं हमारे हिसाब से आपके पास कोई आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि कई दफ़े वो चीज़ें स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाई नहीं देती हैं जो एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट को दिखाई देता है, क्योंकि हम सारे अंगों को एक समान तरीके से देखते हैं।
चाहे वो ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे कोगुलेशन सिस्टम हो, चाहे आपके पेशाब के नली, कुछ भी, किसी भी, सारे ऑर्गन्स को हम लोग समान नज़र से देखते हैं और हम फिर प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि किसको पहले इलाज की ज़रूरत है और किसको बाद में इलाज की ज़रूरत है। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं और आपके समस्या का निवारण नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि नहीं, हम सही नहीं हैं, आप एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि उससे आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है। तो दर्शकों, देखा आपने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के क्रिटिकल केयर में किस तरह मरीजों का इलाज हो रहा है, गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज हो रहा है, साथ ही उनको दवाइयाँ भी मुफ्त में मिल रही हैं, और हमारे डॉक्टर प्रदीप कुमार भट्टाचार्य किस तरह लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसके प्रति जानकारी भी दे रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलेंगे रांची के सदर अस्पताल, और यहाँ भी हम आपको मरीजों से मिलवाएंगे जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं और अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही यहाँ की जो नर्स है, यहाँ की जो सैया हैं, वो कैसे हमारे मरीजों की मदद कर रही है, यहाँ के लोगों को जागरूक कर रही है। तो चलिए चलते हैं रांची के सदर अस्पताल और मिलते हैं वहाँ के लोगों को जो लाभान्वित हो रहे हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत। कान, नाक तथा गले का संक्रमण किसी को भी हो सकता है। इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस संक्रमण का इलाज शुरू में अगर नहीं हुआ तो गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि आप अथवा आपके परिवार का कोई भी सदस्य नाक, कान और गला की बीमारी से ग्रसित है और इलाज कराने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं, तो आप बेहतर चिकित्सा लाभ के लिए बेझिझक सदर अस्पताल रांची पहुँचें। साथियों जोहार, आज हम आ पहुँचे हैं सदर अस्पताल रांची में, जहां हम आज यहां के मरीजों से बात कर रहे हैं और इनसे जान रहे हैं कि पहले के सदर अस्पताल और अब के सदर अस्पताल में कितना बदलाव आप देखते हैं। चाहे अगर चिकित्सा की बात करें, चाहे यहाँ के जो डॉक्टर्स, यहाँ के नर्स के व्यवहार की बात करें, इन सब की जानकारियों से संबंधित हम यहाँ के मरीज जो यहाँ लोग आए हैं उनसे बातें करेंगे। बीमारी मुझे नाक में दर्द हो रही थी, उसके लिए मैंने डॉक्टर से दिखाया तो मैंने कुछ दिनों की दवा दी और टेस्ट लिखा, तो मैंने टेस्ट करवा के आया, वही रिपोर्ट दिखाने में आया। पहले और अब में काफ़ी बदलाव हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो चुकी है, पहले इतना साफ़ सफाई भी नहीं थी, अब साफ़ सफाई है, बढ़िया है। डॉक्टर तो अच्छे अच्छे हैं, लेकिन डॉक्टर की संख्या कम है, डॉक्टर की संख्या बढ़ानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि लाइन में कितने लगे हुए, कितने देर से लगे हुए हैं। एक बच्ची, दो बच्ची है मेरी, दोनों का, एक का दांत दिखलाना है, एक का कान दिखलाना है। इसके दांत में दर्द रहता है और उसका कान में, मतलब गंदगी के कारण खुजली हो गया है। और हम लोग पिस्का मोड़ से आए हैं। हाँ, अच्छा इलाज होता है। देखिए, लोग सरकारी हॉस्पिटल में आना नहीं पसंद करते, बट यहाँ आएंगे, देखेंगे कि यहाँ क्या सुविधा मिल रहा है, उसके बाद जज करेंगे। पहले ही कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जाना, मतलब कि लाइन लगाना, धक्के खाना वापस। अरे, सरकारी काम बहुत लोग आते हैं, अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं, आना चाहिए, डॉक्टर तो वही है ना। हाँ, ज़्यादा बढ़ा है और ज़्यादा अच्छा फैसिलिटी भी दिया जा रहा है, डॉक्टर की तरफ से भी रिस्पांस बहुत अच्छा है। सदर अस्पताल रांची में आयुष्मान योजना के अंतर्गत बिना किसी परेशानी और अतिरिक्त पैसे खर्च किए आप अपना तथा अपने परिवार के किसी भी सदस्य का इलाज निःशुल्क करा कर नाक, कान और गला की परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत अच्छा है, साफ सुथरा भी रहता है और पहले से बहुत बेहतर फैसिलिटी दिया जा रहा है यहाँ। हाँ, इलाज से भी संतुष्ट हैं और हर तरफ साफ सफाई, टॉयलेट, पानी, बिजली, हर चीज़ का सुविधा पहले से बहुत बेहतर है। हमको, मेरा कान में यहाँ सूजन हो गया है, यहाँ पे इसी स्टेज से हो गया है। यहाँ तीस दिन पहले भी दिखाए थे, वो होके फूट के फिर बंद हो गया था, मतलब सूख गया था, उसके बाद फिर अभी तीसरी बार हुआ है। हाय वहाँ पे था, लेकिन वहाँ एक बोला गया था कि ऑपरेट करके निकालेंगे, तो वो हमको थर्सडे का टाइम दिया, तो इसके दर्द के चलते थर्सडे तक हम वेट नहीं कर सक रहे थे। सदर अस्पताल के लिए कोई आपको बताया? हाँ, हमको कोई बताया था, हम गए थे वहाँ, यहाँ डुरंडा सदर गए थे, तो वहाँ बोला गया कि आप वहाँ पर जाइए। ऐसे बोल के यहाँ बोला, यहाँ इलाज अच्छा होता है, वहाँ पर आपका निकाल दिया जाएगा, आपको वैसे से बोल के हमको बताया गया। हाँ, एकदम बताएंगे, यहाँ होता अच्छा इलाज भी होता है, यहाँ बहुत को पहले भी करा चुके हैं, हम लोग भी देखे भी हैं, यहाँ का इलाज अच्छा होता है। नहीं, साफ सफाई तो अच्छा है। हम एक पहली बार भी आए थे, उस समय भी हम बोले थे कि यहाँ का साफ सफाई भी अच्छा है, खाना वाना बाहर नहीं देखे हैं, लेकिन साफ सफाई अच्छा देखे थे। हाँ, अच्छा था। अभी तो बहुत बदलाव है। क्या देखते थे पहले और क्या देखते? पहले तो
थोड़ा परेशानी होता था, भीड़ भी होता था और पता नहीं चल पाता था कि कहाँ इलाज कराना है। अभी क्या है कि गार्ड वगैरह बताते हैं कि यहाँ चले जाइए, पहुँचाते हैं। अभी हम एक डॉक्टर से मिले, अच्छे लगे हमको, उनसे केवल राय लेने गए थे, पूरा डिटेल हमको बताएं। हाँ, अब बढ़ रहा है ज़्यादा। क्या क्या देखते हैं यहाँ? तो लगभग सारा चीज़ हमको दिखा ही, सारा सिस्टम से ही चल रहा है। इन दिनों सदर अस्पताल रांची में नाक कान तथा गले के इलाज के लिए स्पेशल ENT यूनिट संचालित किया जा रहा है, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज का बेहतर तथा सफल इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सदर अस्पताल अंतर्गत एक ही छत के नीचे ENT यूनिट की सुविधा है, जहां मरीज कान नाक तथा गले से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करा पा रहे हैं। नहीं, मैं पहले भी आया था, इसलिए आज अभी तो बेटर है यहाँ का। बहुत परिवर्तन, साफ़ सफाई के मामले में, डॉक्टर्स के मामले में, मैनेजमेंट में बहुत। लेकिन एक चीज़ है ना कि थोड़ा सा जो लगता है, जैसे दवा का जो है, जैसे जेनेरिक दवा का में जो है, डॉक्टर्स जो भी लिखते हैं, ये देखते हैं कि मतलब 3-4 दवा का डॉक्टर लिखते हैं तो एक दवा बाहर से ख़रीदना पड़ता है। ये जेनरिक दवा में भी मतलब कोई कोई दवा नहीं मिलता है, तो स्टॉक जो वहाँ पे होता है, क्या स्टॉक है, एक सिटीजन चार्टर्ड होना चाहिए ताकि लोगों को ही पता चले कौन सा स्टॉक में है कि नहीं है, ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट में इस वक्त ये नहीं है अभी। लेकिन बाकी गवर्नमेंट जो दवाई दे रही है, मैंने पब्लिक को ही मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन कौन दवाई अवेलेबल है और कौन कौन नहीं है, और पब्लिक को ये मतलब स्टॉक में मतलब कितने दवा हैं नहीं। अदरवाइज़ क्या होता है कि 3 दवा लिखा तो 2 दवा, अक्सर हर एक का वही होगा कि एक दवा इस फॉर्मेट का मिल जाएगा, बगल में अमृत खुला है वहाँ पे चल जाओ या तो। और एक चीज़ देखा कि आपको जो आयुष्मान भारत का जो है वो काउंटर बहुत पीछे है, जो कि आदमी नहीं पहचान पाता है ठीक से। अगर वो भी फ्रंट में आ जाता तो जनरल पब्लिक को थोड़ा सा पता चलता, बहुत को तो पता ही नहीं चलता है। एक ये अगर मैनेजमेंट इस पर थोड़ा सा, बाकी तो बहुत ही अच्छा है, मैंने लगभग मैंने कि अभी एक गर्व करने लायक बना है ना। लेकिन दवा के मामले में जैसे कि बहुत से दवा नहीं खरीद पाते हैं, तो अक्सर अभी मैंने ये भी दिखाया है, 3 दवा मुझे बाहर से प्रेफर किया गया, तो अब हो सकता है एक आध मिल जाता तो कुछ रिलीफ होता फिर, क्योंकि एक ये तो जैसे आपका एलर्जी ये सब का तो सामान्य है ना, अब उसको बाहर से खरीदना है। ये चीज़ें आपका वहाँ नीचे से देखिएगा, नीचे जा कर देखिएगा, पता कीजिएगा, तो अधिकतर में से एक आध दो तो ऐसा होगा ही जो कि बाहर से लेना है। और सिटीजन चार्टर्ड होना चाहिए, मतलब कहने होते दवाई का स्टॉक जो कितने तरह के दवाई है उसमें कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर वो हो पाए, एक डिजिटल मॉनिटरिंग हो जाए, दिख जाए लोगों को, तो वो भी बोल पाएँ कि अरे ये दवाई नहीं है तो स्टॉक में है कि नहीं है वहाँ, तो यदि ये चीज़ कर दे तो और बेटर हो जाएगा। सदर अस्पताल रांची स्थित ENT यूनिट में सिर्फ रांची जिला ही नहीं बल्कि राज्य के कोने कोने से नाक कान और गला के बीमारियों से ग्रसित लोग इलाज कराने पहुँच रहे हैं। नहीं, यहाँ आए तो साफ सुथरा लगा, यहाँ साफ सुथरा है, यहाँ कैसा हो गया? नहीं, अभी पहले के मुकाबले अभी बहुत अच्छा है, अभी सब चीज़ की सुविधा है, अभी हाँ बैठने उठने की सब सुविधा है, साफ सफाई तो आप देखिए रहे हैं। हम भतीजी का जो ब्लड सब जांच हुआ उसका रिपोर्ट लेने आए हैं। हाँ, मिल रहा है, सब मिल रहा है, संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। तो प्राइवेट में बहुत दिखाएं तो नहीं समझ में आया, तो आदमी लोग मशवरा दिया कि एक मरत सदर जाओ, सदर जाओ, तो हम सदर आए तो इलाज यहाँ किए हैं, मतलब जाँच कराएँ, तो डॉक्टर लोग कोऑपरेट किया कि ये कराओ वो कराओ सब कराएं, तो इलाज तो ठीक हो रहा है, अभी दवा भी दे रहा है ठीक, अब बढ़िया भी लग रहा है, अब पहले से आराम भी है। पहले का सदर अभी का सदर में आसमान ज़मीन का फर्क है, पहले का सदर छोटा मोटा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया, भुला जाते हैं, यहाँ का रहने वाले यहीं के सब कुछ रहने के बावजूद भी हम भुला जाते हैं, तो बोलता है नंबर में जाओ, 8 नंबर में जाओ, 10 नंबर में जाओ, 12 नंबर में जाओ, 16 नंबर में जाओ, तो वहीं जाते हैं तो फिर पता चल जाता है क्या क्या कराना है, कैसे कैसे कराना है, तो वही सब अभी आए हैं उसी के चलते। मतलब हर बीमारी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बन चुका है। हाँ जी, आपको व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से मिली। हाँ जी। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह आयुष्मान भारत योजना हमारे लिए एक आशीर्वाद है। अगर आपको छोटी बड़ी जैसी भी बीमारी है और अगर आप पैसों को लेकर के सोच रहे हैं, चिंता में हैं, तो आप मत सोचिए, जल्द से जा करके अपना आयुष्मान कार्ड बनवाइए और आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाइए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।